हेलो एवरीवन, तो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस डेटेड अगस्त 13, 2020। तो शुरू करते हैं भाई एनालिसिस, देखते हैं कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आर्टिकल डेट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर यूपीएससी पर्सपेक्टिव इज़ दिस, कीप अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ एनी नागा पीस डील। आपको पता है कि नागालैंड में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच क्लैशेस रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ दैट इज़ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, दिस इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज़ खापलांग एंड आईएम। तो द विज़न ऑफ एनएससीएन आईएम इज़ ग्रेटर नागालिज्म। ग्रेटर नागालिज्म, अब ये जो टर्म ग्रेटर नागालिज्म है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस के जीएस पेपर टू में काम आ सकती है। क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड दैट देर इज़ अ नीड ऑफ ग्रेटर नागालैंड और नॉट। सो लेट अस सी व्हाट इज़ ग्रेटर नागालैंड इशू। तो द पार्टी एनएससीएन आईएम्स विज़न इज़ ऑफ ग्रेटर नागालैंड, और ग्रेटर नागालैंड इज़ दिस पार्ट द नागालैंडियन हु डिमांड्स ग्रेटर नागालैंड सेड दैट सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सम पार्ट ऑफ असम, सम पार्ट ऑफ मणिपुर और होल ऑफ द मणिपुर एंड नागालैंड, दीज आर नागा इन्हेबिटेड एरियाज एंड वी डिमांड टू मर्ज दीज ऑल एरियाज एंड क्रिएट अ सेपरेट स्टेट ऑफ ग्रेटर नागालैंड। और दिस इज़ द ग्रेटर नागालैंड इशू। एंड वॉट द आर्टिकल सेज कि नागालैंड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज़ सेइंग दैट नो नागाज इन अरुणाचल प्रदेश, मीन्स इफ़ यू आर डिमांडिंग ग्रेटर नागालैंड दैट एक्सक्लूड अरुणाचल प्रदेश बिकॉज देर आर नॉन नागाज लिविंग इन द स्टेट। फर्दर द आर्टिकल सेज नागालैंड ए लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एनएससीएनआईएम एनकम्पासेस एज नागा इनहेबिटेड एरियाज ऑफ म्यांमार एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स बॉर्डरिंग नागालैंड। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ अराइजिंग। तो अरुणाचल प्रदेश इज सेड दैट दिस एरिया दैट इज़ यू आर सेइंग नागा इनहेबिटेंट एरिया, दिस इज़ नॉट अ नागा इनहेबिटेंट एरिया एंड कीप अस अलोन एंड इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट ग्रेटर नागालिज्म दैट आई एक्सक्लूड अरुणाचल प्रदेश एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दिस, दिस आर्टिकल इज़ सेइंग दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि IISER भोपाल साइंटिस्ट स्टडी ऑन सीड जर्मिनेशन में लीड टू द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। बेसिकली दीज साइंटिस्ट हैव स्टडीड प्लांट प्रोटीन यानी कि प्लांट हार्मोन और प्रोटीन इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड विच इनहिबिट द स्प्रूटिंग ऑफ सीड्स। तो कभी कभी प्लांट के साथ ऐसा होता है जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं लेकिन सीड जर्मिनेट कर जाता है तो उससे प्लांट की ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है। तो ये एब्सिसिक एसिड का जो वर्क है वो ये है कि ये इनहिबिट करता है, ये कुछ टाइम के लिए सीड के जर्मिनेशन को रोक देता है और जब आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी होती हैं तो ये सीड के जर्मिनेशन को बूस्ट करता है कि उसको इंक्रीज़ करता है कि या दिस इज़ योर टाइम फॉर जर्मिनेट। सो दिस वाज द स्टडी, लेट अस सी व्हाट आर गिवन इन दिस पॉइंट्स। सीड जर्मिनेशन डेट कुड हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इज़ अ लॉन्ग रन बाय हेल्पिंग डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम टाइमिंग ऑफ सीड जर्मिनेशन। मतलब क्या टाइम एक सीड के जर्मिनेट होने के लिए वैलिड होगा या अच्छा होगा उस पर डिपेंड करता है और उससे प्लांट की हाई यील्ड भी नापी देखी जा सकती है। मतलब अगर प्लांट के लिए उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन सही हैं, वो सही टाइम पे जर्मिनेट होता है तो उससे प्लांट की यील्ड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। और आगे दिया हुआ है इसमें दिस एब्सिसिक एसिड विच इनहिबिट द स्प्रूटिंग ऑफ सीड्स एंड एनवायरमेंटल क्यूज लाइक लाइट विच प्रमोट्स द स्प्रूटिंग प्रोसेस। अब लाइट एंड ये डार्कनेस और ये सब एनवायरमेंटल क्यूज जो होते हैं ये सब प्रमोट करते हैं स्प्रूटिंग प्रोसेस को, लेकिन जो एब्सिसिक एसिड होता है ये इनको कुछ देर के लिए होल्ड कर देता है यानी कि डोरमेंसी स्टेट में ले जाता है
सीड के जर्मिनेशन प्रोसेस को, और जब एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं तो उनको वापस से बूस्ट करता है कि या दिस इज़ टाइम। ऑल दो ए बी ए यूबिक्यूटस प्लांट हार्मोन, तो आपको ये याद रखना है कि ये एब्सिसिक जो एसिड है ये यूबिक्यूटस प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, नॉट अ ह्यूमन हार्मोन। देयर इज स्कैंट नॉलेज अबाउट द मैकेनिज्म कंट्रोल्ड बाई ए बी ए, जो ये एब्सिसिक एसिड जो वर्क करता है उसके बारे में कम नॉलेज थी, इसीलिए ये स्टडी कंडक्ट हुई है। स्टडी जो हुई वो हमने देख ली क्या बताया इन लोगों ने, बार देख लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं आपको पता है सेसाइल होते हैं, और मतलब फिक्स्ड टू अ प्लेस। प्लांट्स हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिंग मैकेनिज्म टू अलाउ देम असेंस एनवायरमेंटल कंडीशंस बिफोर ए सीड डिसाइड टू ओपन अप एंड एस्टेब्लिश एज अ यंग सीडलिंग लाइक ह्यूमन प्लांट टू। तो ये तो मैंने बता दिया, जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के आधार पर ही प्लांट देखता है कि सीड को जर्मिनेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वही है। और आगे लिखा हुआ है कि प्लांट्स टू हैव हॉर्मोन्स लाइक ए बी ए डैट मॉड्यूलेट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ए बी ए जो ये एब्सिसिक एसिड है ये मॉड्यूलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्लांट की, कि क्या टाइम सही है और किस ऑप्टिमम टाइमिंग पर सीड को जर्मिनेट होने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके बारे में। प्रोटीन एक्ट्स लाइक अ मास्टर, विच प्रोटीन? ए बी ए मीन्स एब्सिसिक एसिड। प्रोटीन्स लाइक एज अ मास्टर रेगुलेटर ऑफ द सीड ग्रोथ बाई कंट्रोलिंग सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन, एज वेल एज कंट्रोलिंग ग्रोथ अंडर एडवर्स कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड सैलिनिटी। तो जो एनवायरमेंटल ड्रॉट्स या सैलिनिटी हैं उनके रेसिस्टेंट क्रॉप ये प्रोवाइड करता है, और सही टाइमिंग का यूज़ करता है कि विच इज़ द सही टाइमिंग फॉर सीड जर्मिनेशन। अब इसमें कुछ मेंस के लायक तो है नहीं, पर आप कहीं मेंस में कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। और प्री के हिसाब से इसमें हम फंक्शंस देख लेते हैं एब्सिसिक एसिड के, कि एब्सिसिक एसिड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो एब्सिसिक एसिड इज़ इन्वॉल्व इन सेवरल प्लांट फंक्शंस। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि एक प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन और प्लांट प्रोटीन है। प्लांट्स हैव ओपनिंग ऑन द बॉटम साइड ऑफ देयर लीव दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा होता है जैसे लीव्स होती है, तो उसके निचले हिस्से पर स्टोमेटा होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेगुलेट वाटर कंटेंट। अब क्या होता है, एब्सिसिक एसिड हैज़ बीन फाउंड टू फंक्शन इन क्लोजिंग दीज स्टोम। तो ये जो ए बी ए जो आपकी प्रोटीन थी या एसिड था, हार्मोन था, ये आपकी फंक्शनिंग करता है क्लोजिंग दीज स्टोमेटा ड्यूरिंग टाइम्स। अब जैसे ड्रॉट आई, तो ड्रॉट के टाइम पर हमको अपने प्लांट के अंदर पानी का कंजम्पशन को कंट्रोल करके रखना है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो उसके लिए स्टोमेटा आपका बंद रहना चाहिए जिससे कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो। तो ए बी ए एसिड यही काम करता है, ये क्लोज कर देता है आपके स्टोमेटा को ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन प्लांट्स डो नॉट रिक्वायर मच कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्रॉट। व्हेन द प्लांट कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस मस्ट वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, फर्दर द आर्टिकल इज सेइंग वन ऑफ द क्रूशल फंक्शन ऑफ ए बी ए एसिड इज़ टू इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है कब तक के लिए, जब तक कि ऑप्टिमम टाइमिंग प्रोवाइड नहीं हो जाती। एब्सिसिक एसिड हैज़ टू फाउंड टू स्टॉप अ सीड फ्रॉम इमीडिएटली जर्मिनेटिंग वंस इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द सॉइल। तो इमीडिएटली नहीं होता, बिना एनवायरनमेंट एंड कंडीशन के अगर सीड का जर्मिनेशन हुआ तो यील्ड अच्छी नहीं होगी, इसीलिए ये ए बी ए एसिड इसकी इमीडिएटली जर्मिनेटिंग को रोकता है। और डोरमेंसी ये लिख रहा है, जैसे इट एक्चुअली कोज द सीड टू एंटर इन ए प्लेस ऑफ डोरमिनेंसी, दिस इज़ ऑफ ग्रेटर बेनिफिट ऑफ प्लांट। ग्रेटर बेनिफिट यू कैन राइट इन मीन्स एज इट इज़, बिकॉज मोस्ट सीड्स आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन व्हेन कंडीशंस वुड नॉट बी फेवरेबल फॉर अ न्यू प्लांट टू स्प्राउट। तो इमिडिएटली अगर सीड जर्मिनेट हो गया तो हो सकता है उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी ना हो कि वो प्लांट सर्वाइव कर पाए या ना कर पाए,
तो ये ABA एसिड जो है उस चीज़ को रोकता है, और जब एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं तो वो प्लांट के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। द एब्सेसिक एसिड कॉजेज द सीड टू वेट अंटिल द टाइम व्हेन कंडीशंस आर मोर फेवरेबल टू ग्रो। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, दिस एंश्योर ग्रेटर सक्सेस इन प्लांट्स एबिलिटी टू ग्रो। तो ये एक अच्छी रिसर्च हुई है, अच्छी स्टडी हुई, और इसमें हमने जान लिया जो कुछ हमारे काम का था। आगे बढ़ते हैं, और ये हाँ, दिस इज़ एडिटोरियल पेज एंड दिस इज़ आर्टिकल रिटन बाय सोनिया गांधी। आर्टिकल इज सेइंग स्टॉप द डिसमेंटल द एनवायरमेंटल रूल्स। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है या यूपीए गवर्नमेंट आई है, तब से लेकर के एनवायरमेंट रूल्स का कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा नहीं है। तो इसमें पूरा क्रिटिसिज्म है आर्टिकल्स का कि जो जो कुछ हमने किया है अब तक का, उसमें कुछ फ़ायदा हमें हुआ नहीं। जैसे मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द बाइनियल ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट हैज़ कॉन्स्टेंटली सॉरी पुट इंडिया एट द बॉटम ऑफ इट्स रैंकिंग। वी आर एट अलार्मिंग 177 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2018। दैट इज़ राइट दैट इन ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट वी आर नॉट डूइंग वेल। तो द पॉइंट इज़, व्हाट इज़ दिस ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स फ्रॉम योर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू? सी, दिस इज़ योर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। दिस इज़ अ बाइनियल इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाई येल यूनिवर्सिटी एंड कोलम्बिया यूनिवर्सिटी इन कोलेबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूछा जा सकता है। इट ऑफर्स ए स्कोर कार्ड डेट हाईलाइट्स लीडर्स टू लैगार्ड इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉर कंट्रीज डेट एस्पायर। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द इंडेक्स वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 2002, डिजाइन टू सप्लीमेंट द एनवायरमेंटल टारगेट सेट फोर्थ इन द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो ओनली द फर्स्ट पॉइंट, इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस इन आस्क्ड इन UPSC इज सच डैट विच इंडेक्स इज़ परफॉर्म्ड बाई विच यूनिवर्सिटी और विच फोरम और विच फैसिलिटी, यू नो दिस इज़ योर प्रिलिम्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2014 TSR सुब्रमण्यम कमिटी वॉज सेटअप टू रिव्यू 6 मेजर एनवायरमेंटल लॉज। तो दिस इज़ द पॉइंट यू कैन राइट इन योर मेन्स एग्जामिनेशन। फिर वी नो दैट CRZ मीन्स कोस्टल रेगुलेशंस जोन्स फ्रेमवर्क 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था, तो वो भी कुछ खास वर्क नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि 10/2018 CRZ नोटिफिकेशन वाज रिजेक्टेड बाय द नेशनल फिश वर्कर्स फोरम एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर थ्रेटनिंग द लिवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज एंड डेस्ट्रॉइंग कोस्टल इकोलॉजी। तो इन्होंने CRZ रूल्स को भी क्रिटिसाइज़ किया है, बताया कि किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को और हानि पहुंचा रहा है फ़ायदा करने के बजाय। द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी आर अप्रूविंग प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एरियाज विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। तो इन्होंने इसको भी क्रिटिसाइज़ किया कि NBW नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी भी विदाउट प्रोसेस के अपना वर्क कर रही हैं। फिर इन्होंने बताया कि NCR में किस तरीके से स्मोक की सिचुएशंस ख़राब रहती हैं, ये भी एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन्होंने बताया कि सही नहीं चल रहा। एक इन्होंने ये लाइन भी कही, द ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन एंड सोडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का भी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, हैज़ लेड टू आदिवासी एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटीज़ बींग हरेस्ड बाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस चीज़ को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया यहाँ पे। फर्दर दे राइट डेट कंपनसेटरी एफोरेस्टमेंट फंड एक्ट 2016 वॉज पास बाय द गवर्नमेंट इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इग्नोरिंग द अपोजिशन विच पॉइंटेड आउट दैट इट बाईपासिस द FRA। तो इन्होंने कहा कि ये CAF एक्ट जो था 2016 का, ये भी FRA 2006 को वायलेट कर रहा है और डिसएम्पावर करता है आदिवासीज को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को और ग्राम सभा को टू इम्प्लीमेंट देयर प्रोसेसेस इन द रेस्पेक्टिव एरियाज। फर्दर नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस आर्टिकल बट दिस इज योर प्रीलिम्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन वी हैव साइंड इन जून 2000
जून 1972। ओके, वी हैव सीन दिस। ऑलराइट, दिस आर्टिकल इज ऑन बेलारूस पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट अदर कंट्रीज। हाँ, पर लोकेशन ऑफ बेलारूस इज इम्पोर्टेंट। सी, बेलारूस इज अ यूरोपियन कंट्री, इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री एंड बॉर्डर टच बाय पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, दिस इज रशिया, दिस इज यूक्रेन। तो ओनली 5 कंट्रीज टच बेलारूस। ओके, यू कैन नोट दिस। एंड द कैपिटल ऑफ बेलारूस इज मिंस्क। फर्दर नोट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट, दिस आर्टिकल इज नॉट ओवरऑल इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द चाइनीज और हुवाई। दिस आर्टिकल इज टेलिंग अबाउट टाइगर्स, दैट इज द रेंज ऑफ टाइगर्स इन द इंडिया एंड हाउ वी डू वेल इन प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ। इसमें हमने जाना कि हमारे पास 1970 में 2000 टाइगर्स थे और अब हमारे पास 3000 हैं। तो लगभग 1% की रेट से हमने इसमें बढ़ोतरी की है 50 ईयर्स में, और ये अच्छी बात है। इन्होंने इसमें बताया कि ठीक रहा है। और एक ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लीजिए कि ये मालेनाद लैंडस्केप या मालेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मालेनाद कुछ भी आए तो फिर वो कर्नाटक में ही होगा। ओके, फर्दर दे आर सेइंग दैट टू लीगल इंस्ट्रूमेंट्स आर अनेबल्ड टाइगर रिकवरीज इन इंडिया वर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विच एंड री इन्फोर्स्ड प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉर योर प्रिलिम्स इज दैट ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी इज लीड बाई वर्ल्ड बैंक। ओके, फर्दर दिस इज गिवन द टाइगर एक्सटेंशन इन सरिस्का रिजर्व कॉज्ड ए पब्लिक आउटक्राई इन 2005 लीडिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ टाइगर टास्क फोर्स। तो टाइगर टास्क फोर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जो गठन अपॉइंटमेंट हुआ था, वो क्यों हुआ था? क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2005 में जो एक्सटेंशन हुआ था टाइगर्स का, उसको लेकर के हुआ था। ओके, ओके, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। फर्दर लेट अस सी विच आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट। ओके 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 दिस फॉरेस्ट लॉस थ्रेटन्स हॉर्नबिल। तो आर्टिकल इज सेइंग हॉर्नबिल हैबिटेट इन अरुणाचल प्रदेश इज डिग्रेडिंग बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एंड एक प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पापुम टाइगर रिजर्व या पापुम रिजर्व फॉरेस्ट और पक्के टाइगर रिजर्व द बोथ इज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, लेट अस सी समथिंग अबाउट हॉर्नबिल फॉर योर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज दिस ग्रेट हॉर्नबिल IUCN रेड स्टेटस नियर थ्रेटन। ओके, कंजर्वेशन स्टेटस हमने देखा कि नियर थ्रेटन है। ओके, फर्दर दिस इज स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है, इसलिए ये आर्टिकल यहाँ पर आया हुआ है। लोकल नेम होमरई, नेपाल में कहते हैं बनराव भी कहते हैं। लॉन्ग लिव लिविंग फॉर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। दिस इज नॉट ओनली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दिस इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट दैट इज इम्पोर्टेंट इज अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स। दिस इज अपेंडिक्स वन ऑफ साइट लिस्टेड। ओके, दिस इज़ फॉर योर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस सी वॉट एल्स इज इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड PM स्वनिधि स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। बेसिक आइडिया होना जरूरी है। इट गिव्स स्ट्रीट वेंडर्स वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू 10,000 टू बी पेड इन 1 ईयर। ओके, ओनली दिस मच इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो दिस इज़ द हिंदू एनालिसिस ऑफ टुडे एंड
ओके, और कोई भी मिस्टेक लगी हो या कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.